हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो वी आर बैक विद द ईयर एंडर। तो हमने पीडीएफ रिलीज कर दिया है अगस्त टू अक्टूबर का, और उसकी लिंक जो है आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में। सो वहाँ पे सैंपल भी दिया हुआ है। सो फर्स्ट गो थ्रू द सैंपल एंड इफ यू लाइक इट देन ओनली गो फॉर द पीडीएफ। ओके, तो ईयर एंडर आज हम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है, कई सारे इनिशिएटिव्स हैं, तो थोड़ा सा बड़ा रहेगा वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज पर द IMD, द रेनफॉल इन द कंट्री वॉज नॉर्मल ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन जून टू सेप्टेम्बर 2018। तो एक ही लाइन में आपको कई सारे फैक्ट्स देखने को मिल गए। जैसे कि आप देखेंगे कि सबसे पहली बात, रेनफॉल का कौन डिक्लेयर करता है, वो IMD डिक्लेयर करता है। ओके, और साउथ वेस्ट मानसून का सीज़न जो होता है वो कब से कब तक होता है, जून से सितंबर का होता है। देन रेनफॉल जो डिक्लेयर की वो नॉर्मल थी और -9%। तो -9% आप बोलोगे नॉर्मल कैसे है, तो इट इज़ बिकॉज कि प्लस और -10% इज़ कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल। ओके, प्लस या -10% जो होता है वो नॉर्मल होता है। इसके अलावा डेफिसिट या सरप्लस का क्या रेंज होता है, ये आप मुझे बताओगे। फाइन, नाउ फर्स्ट थिंग इज अबाउट द डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम। तो ये तो इनका फ्लैगशिप ही स्कीम कह लीजिए। तो इसमें मतलब टारगेट है डबलिंग का बाय द ईयर 2022, जिसके लिए गवर्नमेंट ने एक इंटर मिनिस्टीरियल कमिटी बनाई थी इशूज़ के, इन इशूज़ को एग्जामिन करने के लिए, और 7 सोर्सेज ऑफ इनकम ग्रोथ बताए थे। ओके, तो आगे आप जितनी स्कीम्स, जितने इनिशिएटिव्स देखोगे उनमें यही आपको कॉम्पोनेंट्स देखने को मिलेंगे। सो फर्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी। तो सबसे बात क्या हो गई कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। सेकेंड इज रिसोर्स यूज एफिशिएंसी और सेविंग्स इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर पानी यूज हो रहा है, फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, कुछ भी है, तो उसकी एफिशिएंसी रहनी चाहिए ताकि उसकी कॉस्ट जो है वो घट जाए। ठीक है, थर्ड इज इंक्रीजिंग इन द क्रॉप क्रॉपिंग इंटेंसिटी, यानी कि कम एरिया में ही, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में ही ईल्ड जो है वो बढ़ा दी जाए, उसकी इंटेंसिटी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ जाए, इसके ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड्स हाई वैल्यू क्रॉप्स। तो जैसे हॉर्टिकल्चर वगैरह हो गया, उसमें डाइवर्सिफाई करना। देन इम्प्रूवमेंट इन रियल प्राइसेस रिसीव्ड बाय फार्मर्स। ओके, एंड शिफ्ट फ्रॉम फार्म टू नॉन फार्म ऑक्यूपेशंस। तो मैंने कहा ना, आगे आप जितना वो देखोगे आपको उसमें ये कॉम्पोनेंट्स देखने को मिल जाएंगे, इम्प्रूवमेंट इन रियल प्राइसेस, यू विल सी इन MSP एंड ऑल। ठीक है, नाउ लेट्स गो अहेड। तो अब जो अप्रोच गवर्नमेंट की है वो इनकम सेंटर्डनेस है, विच गोज बियॉन्ड अचीविंग मेयरली द टारगेटेड प्रोडक्शन। ठीक है, तो बस अब प्रोडक्शन जितना टारगेट किया है वो अचीव नहीं करना है, अब इनकम सेंटर्डनेस रहेगी, यानी फार्मर्स की इनकम को बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। ओके, अब इनिशिएटिव्स देख लेते हैं, मेन क्या रहे हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रेलिवेंट एग्जाम के लिए, मैंने वही उठाए हैं। सो फर्स्ट इज इनिशिएटिंग मार्केट रिफॉर्म्स थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेजीम को अमेंड किया जा रहा है ताकि मार्केटिंग रिफॉर्म्स आए, और इसके लिए गवर्नमेंट ने मॉडल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड लाइफ स्टॉक मार्केटिंग एक्ट बनाया 2017 का। ठीक है, तो मॉडल एक्ट्स जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है ताकि स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सके और इसके ऊपर एक्ट वगैरह अपने हिसाब से बना सके। नेक्स्ट इज एनकरेजिंग द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट्स बाय प्रोमलगेटिंग ऑफ मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट। ठीक है, तो देखिए फिर से मॉडल फार्मिंग एक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है कि जब कोई बल्क परचेजर वगैरह जो होता है वो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर ले फार्मर के साथ में कि उसकी जितनी प्रोड्यूस है वो किसी प्री डिटर्मिंड प्राइस पे खरीद लेगा। ठीक है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे लेस है, ठीक है, लेस कंपनी, तो उसने सपोज कोई फार्मर है जिसके जिसके फार्म में पोटैटो ग्रो किया जा रहा है, आलू बोया जा रहा है, तो वो उनके साथ में एक पहले से एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा कि उसके फार्म का जितना भी पोटैटो रहेगा वो खरीद लेगा। तो इससे क्या क्या फ़ायदा होगा, एक तो फार्मर को फ़ायदा होगा कि उसको बेटर प्राइस मिल जाएगा और मार्केट या प्राइस रिस्क नहीं रहेंगी आगे। ठीक है, और इसके अलावा परचेजर को भी ये फायदा रहेगा कि पूरा जो उसके इंडस्ट्री के लिए एग्रो रॉ मटेरियल है उसका स्मूथ सप्लाई होगा। ठीक है,
तो उसको ये नहीं है कि मतलब अलग अलग फार्मर्स के पास बाद में जाना पड़ रहा है, वो पहले से ही बुक हो चुका होगा। नेक्स्ट इज 22,000 ग्रामीण हार्ट्स आर टू बी अपग्रेडेड टू वर्क एज सेंटर्स फॉर अपग्रेड एग्रीगेशन एंड फॉर डायरेक्ट परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज फ्रॉम द फार्मर्स। ठीक है, तो ग्रामीण हार्ट्स को अपग्रेड किया जा रहा है, इसी में ग्राम करके है, दैट इज ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट्स। तो यहाँ पे डायरेक्टली जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ है फार्मर्स से उनको खरीदा जा सकता है। फिर लॉन्च ऑफ ई नाम इनिशिएटिव, तो ये वही है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के लिए, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, तो इसमें जो ये ग्रामीण हार्ट्स देखा इनको भी लिंक, ताकि फार्मर्स को मतलब जो भी उनका प्रोड्यूस नेशनली उसको वो सेल कर सकते हैं। ठीक है, नेशनल प्लेटफॉर्म है ई नाम, तो एक यूनिफॉर्म प्राइस लेवल रहेगा पूरा, क्योंकि नेशनल है तो उसमें कहीं पे भी फार्मर को कोई नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड्स टू फार्मर्स। तो सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं ताकि फर्टिलाइजर्स का यूज जो है उसको ऑप्टिमाइज किया जा सके, और अभी तक 15 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट देख लेते हैं, ये कंपोनेंट है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंडर। याद रखना इस मिशन का नाम भी और कंपोनेंट भी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है, तो सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट करना इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट थ्रू जुडिशियस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो सिंपल सी बात है, सॉइल हेल्थ की बात कर रहे हैं और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, तो सॉइल से जुड़े हुए जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं अब वो कहाँ कहाँ से आएंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर्स, बायो फर्टिलाइजर्स, तो इन सबका प्रॉपर यूज करना। ठीक है, इसके अलावा केवल न्यूट्रिएंट्स की बात नहीं है, टेस्टिंग फैसिलिटीज को भी इंश्योर करना कि फार्मर्स को जो रेकमेंड किया जाए सॉइल हेल्थ कार्ड में कि आप इतना फर्टिलाइजर यूज़ करो, ये वाला यूज़ करो, इस न्यूट्रिएंट पे ज़्यादा फोकस करो, तो इन सब बातों को टेस्ट के बेसिस पे रेकमेंड किया जाएगा। ठीक है, फिर है क्वालिटी कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स को इंश्योर करना, और जो सॉइल टेस्टिंग लैब स्टाफ है उसको उसकी नॉलेज को, उसकी स्किल को अपग्रेड करना। ठीक है, तो उन्होंने कई सारे डोमेन्स इसमें कवर किए हैं। नाउ सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है वो 2015 से इम्प्लीमेंट की जा रही है और सभी फार्मर्स को दिया जाएगा हेल्थ कार्ड। तो इसमें वही सॉइल न्यूट्रिएंट स्टेटस के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी और रिकमेंडेशन रहेगा कि क्या पर्टिकुलर फार्मर के पर्टिकुलर जो उसका कोई खेत फार्म जो भी है वहाँ की जो सॉइल है उसके लिए मतलब स्पेशली उसी के लिए क्या क्या न्यूट्रिएंट का डोजेज रहना चाहिए। तो सॉइल हेल्थ कार्ड जो है ये हर 2 साल में दिए जाएंगे फॉर ऑल लैंड होल्डिंग्स इन द कंट्री। ठीक है, ये याद रखना कि हर 2 साल में दिए जाने हैं। नेक्स्ट इज पर ड्रॉप मोर क्रॉप इनिशिएटिव, तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ही कंपोनेंट है और इरिगेशन के लिए है ताकि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो सके पानी का, इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे। नेक्स्ट इज परंपरागत कृषि विकास योजना, तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए है और इसमें नॉर्थ ईस्ट को जो है ऑर्गेनिक हब की तरह डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको पता ही है कि जो सिक्किम है वो पहला स्टेट बना फुली मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है सिक्किम। ठीक है, तो ये पहली कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम की तरह लॉन्च की गई है और 2015 से चालू की गई थी, अब 3 साल और एक्सटेंड कर दिया है। और इसमें जो फंडिंग पैटर्न है वो 90s to 10 का है, 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए और 3 हिली स्टेट्स के लिए। 3 हिली स्टेट्स कौन कौन सी है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। 100% फंडिंग रहेगी यूनियन टेरिटरी में और 60 to 40 का फंडिंग पैटर्न रहेगा बाकी के स्टेट्स में। ठीक है, और इस स्कीम को स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी, क्लस्टर्स में इंप्लीमेंट की जाएगी, हर क्लस्टर में 20 हेक्टेयर का पैच लिया जाएगा, कोशिश करके वो कंटेजियस होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक के बाद एक लगे हुए पूरा वो फार्म होना चाहिए, टुकड़ों में नहीं होना चाहिए। और जो किसी भी ग्रुप के अंदर एक फार्मर होगा उसको मैक्सिमम 2 हेक्टेयर तक का वो बेनिफिट
और जो लिमिट ऑफ असिस्टेंस है वो हर हेक्टेयर के लिए 50,000 रुपये है। तो अब 50,000 का 62% यानी कि 31,000 जो इंसेंटिव वो उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज करना पड़ेगा तभी उसको इंसेंटिव दिया जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का रहेगा तो इसमें वही कोई इधर उधर होने वाली भी बात नहीं है, बट उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है, तो जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है उसको डेवलप करना वैल्यू चेन मोड में। ठीक है, वैल्यू चेन मोड जो होता है वो होता ही इसलिए है ताकि कंज्यूमर्स को डायरेक्टली ग्रोअर्स से लिंक किया जा सके। ठीक है, तो पूरी वैल्यू चेन इसमें डेवलप की जाएगी जहाँ पे इंपोर्ट, सीड, सर्टिफिकेशन, फिर उनका कलेक्शन बाद में, फिर एग्रीगेशन, प्रोसेसिंग, हर चीज़ होती है पूरे वैल्यू चेन में। फाइन, नाउ रिवाइज्ड फार्मर फ्रेंडली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च की गई है, तो इसमें कई तरीके के रिस्क को कवर किया गया है प्री सोइंग से लेके पोस्ट हार्वेस्ट तक का, एंड द फार्मर्स हैव टू पे वेरी नॉमिनल प्रीमियम। ठीक है, तो कितना पे करना होता है दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि खरीफ के लिए अलग, रबी के लिए अलग जो है, और जो दूसरे कमर्शियल क्रॉप्स हैं उनके लिए अलग है, तो आपको मुझे बताना है कितना कितना प्रीमियम है। और अब इस स्कीम को रिवाइज किया गया है तो इसमें कई मतलब ऑब्लिगेशंस डाले गए हैं इंश्योरेंस कंपनीज और उन और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कि यदि फार्मर को टाइम पे उसका इंश्योरेंस नहीं मिलता है तो इनके ऊपर पूरी पेनल्टी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज हर मेड़ पर पेड़। ठीक है, तो व्हाट इज मेड़, मेड़ मतलब दो जो फार्म्स होते हैं तो उसका बीच का जो एरिया रहता है वो नॉर्मली मतलब या तो रोड की तरह यूज़ करते हैं, मतलब वो वेस्ट ही जाता है। ठीक है, तो उसके ऊपर फॉरेस्ट्री करना, एग्रो फॉरेस्ट्री, तो ये इसको प्रमोट किया जा रहा है ताकि फार्म इनकम बढ़ाई जा सके। फाइन, अब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 को अमेंड किया गया टू एक्सक्लूड बैम्बू फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ट्रीज। ठीक है, तो बैम्बू को ग्रास की कैटेगरी में रखा गया, उसको ट्री की डेफिनेशन से हटाया गया है। एक्ट याद रखिएगा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 से। ठीक है, तो जो अगर आप ट्री के, अगर उसको ट्री कंसिडर किया जाता तो फिर ऐसे केसेस में कई सारे रूल्स होते हैं, यू आर नॉट अलाउड टू डू सो अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस, तो अब वो इसके ऊपर लागू नहीं होगा। फाइन, तो इसके लिए नेशनल बैम्बू मिशन भी फिर लॉन्च किया गया था ताकि वही वैल्यू चेन का डेवलपमेंट हो सके बैम्बू बैम्बू का। ठीक है, तो रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए वही प्रोड्यूसर से इंडस्ट्री को लिंक किया जाएगा। ओके, लॉन्च ऑफ पीएम आशा स्कीम, तो ये एमएसपी के लिए है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर्स को देने के लिए फॉर ऑयल सीड्स, पल्सेस एंड कोपरा। ठीक है, पीएम आशय याद रखना, दैट इज प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ठीक है, तो जो अन्नदाता इज फार्मर ओनली, तो उनके लिए उनको मतलब उनकी इनकम सिक्योर हो सके उसके लिए है, और रेम्यूनरेटिव प्राइसेस इंश्योर करने के लिए फार्मर्स को उनके प्रोड्यूस के लिए। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो इसमें तीन कंपोनेंट्स है। पहला है प्राइस सपोर्ट स्कीम, तो इसमें प्राइस सपोर्ट स्कीम में याद रखिएगा कि फिजिकल प्रोक्योरमेंट किया जाएगा पल्सेस, ऑयल सीड्स और कोपरा का सेंट्रल नोडल एजेंसीज द्वारा, और इसके अलावा स्टेट्स वगैरह में नेफेड और एफसीआई भी प्राइस सपोर्ट स्कीम ऑपरेशंस करेंगे। फाइन, तो जो प्रोक्योरमेंट एक्सपेंडिचर और लॉसेस होंगे वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी। नेक्स्ट इज प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, तो ये सारे ऑयल सीड्स को कवर करेगी जिनके ऊपर एमएसपी नोटिफाई किया गया है, तो एमएसपी और सेलिंग प्राइस में जितना भी डिफरेंस आएगा उसका डायरेक्ट पेमेंट किया जाएगा। तो याद रखिएगा इसमें कहीं पे भी प्रोक्योरमेंट वाली बात नहीं है, जो अभी प्राइस सपोर्ट स्कीम देखी उसमें प्रोक्योरमेंट हो रहा था, प्राइस डेफिशिएंसी में प्रोक्योरमेंट नहीं है, जो भी डिफरेंस आएगा वो गवर्नमेंट डायरेक्टली पे करेगी। ठीक है, तो ये एक्चुअली लिया गया है एमपी में, एक जो मॉडल स्कीम चली थी भावांतर योजना वो यही थी, प्राइस डेफिशिएंसी के लिए थी, और उसी से इसको अब सेंट्रल लेवल पे लाए हैं। नेक्स्ट इज पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉक स्कीम,
तो प्राइवेट सेक्टर भी प्रोक्योरमेंट में पार्टिसिपेट करे उसके लिए ही। तो ये तीन कंपोनेंट्स पीएम आशा के याद रखेगा। नाउ मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर सर्टन क्रॉप्स, ठीक है। तो कुछ क्रॉप्स के लिए एमएसपी नोटिफाई किया गया है। पूरे खरीफ और रबी सीजन, ये बजट में ही कहा गया था कि कम से कम 150% दिया जाएगा ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है ये। और इसमें देख लीजिए कौन कौन से क्रॉप्स नोटिफाई हुए थे, आपको ये भी याद हो जाएगा कि हर सीजन में कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं। तो खरीफ में पेडी, ज्वार, बाजरा, मेज, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, ग्राउंडनट, इन शेल, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन, सिसमम एंड नाइगर सीड। और रबी में आएगा आपका वीट, बार्ली, ग्राम, मसूर, रेप सीड और मस्टर्ड्स एंड सफ्लावर। और जो दूसरे हैं कोपरा, जूट और शुगर केन, इनके फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइसेस, ठीक है। तो एक बार इन क्रॉप्स को दोबारा पढ़ लीजिएगा और इनको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं प्री में भी, फाइन। नाउ बी कीपिंग हैज बीन प्रमोटेड अंडर द मिशन फॉर हॉर्टिकल्चर। तो एमआईडीएच, ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, इसमें खासकर बी प्रमोट किया जा रहा है ताकि हनी प्रोडक्शन बढ़े और वो भी एक मतलब एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा फार्मर्स के लिए। तो ये एमआईडीएच जो है, इसमें क्या क्या डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के लिए, फर्स्ट इज एक्सपेंशन, एरिया बढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट इज रेजुविनेशन, ठीक है, जो पहले के ऑर्चर्ड्स हैं उनको रेजुविनेट किया जा रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, वाटर रिसोर्सेज, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं, बी कीपिंग, हॉर्टिकल्चर का मैकेनाइजेशन, देन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स, ठीक है। तो ये वाले जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। हॉर्टिकल्चर का जो ये मिशन है उसमें ये सारे कॉम्पोनेंट्स कवर किए गए हैं। नेक्स्ट, तो ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मिल्क प्रोडक्शन और प्रोटीन ऑफ बोवाइंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ताकि मिल्क प्रोडक्शन भी जो है वो ज़्यादा रेम्यूनरेटिव रहे। तो इंडिया पहले ही मतलब लीड है मिल्क प्रोडक्शन में, तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी उसी डायरेक्शन में है। नेक्स्ट इज नेशनल तो ये जो लाइफ स्टॉक है उसकी प्रोडक्टिविटी और जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए है। तो फिशरी सेक्टर को भी ज्यादा बढ़ावा देने के लिए है। तो इट विल फोकस ऑन फिशरीज प्रोडक्शन, इनलैंड एंड मरीन दोनों पर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज नेशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये हमने अभी ऊपर भी, तो इट इज वन ऑफ द 8 मिशन अंडर द पीएम्स नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो है उनमें से एक मिशन ये है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, ठीक है। और ये यही मिनिस्ट्री इसको एंकर कर रही है और अब इसकी रिवाइज स्ट्रेटेजी बनाई गई है ताकि मतलब वही क्लाइमेट चेंज के साथ में उसको अलाइन किया जा सके इस सेक्टर को। नाउ हायर प्रोडक्शन थ्रू प्रोडक्टिविटी गेन्स, सो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन चलाया जा रहा है प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। फूड ग्रेन क्रॉप्स का एरिया एक्सपेंशन करके प्रोडक्टिविटी बढ़ा के सॉइल फर्टिलिटी को रिस्टोर करके, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के थ्रू नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन को भी अचीव किया जाएगा। और अभी 18-19 के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन न्यूट्री सीरियल्स भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। न्यूट्री सीरियल्स क्या होते हैं, वही आपके जो कोर्स ग्रेन्स हो गए, बाजरा, जवार, रागी, तो ये सब आते हैं, फाइन। नाउ न्यू इनिशिएटिव्स टेकन फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ पल्सेस, ठीक है। तो पल्सेस दालों के चीजें की जा रही है, जैसे ब्रीडर्स, सीड हब्स, सर्टिफिकेशन बढ़ाना, ठीक है। देखिए ये इंस्टीट्यूट भी आप याद रख सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, ये कानपुर में है, ठीक है। तो सीड सर्टिफिकेशन ऑफ सीड्स किया जा रहा है यहाँ से। फिर सप्लाइंग ऑफ मिनी किट्स ऑफ पल्सेस सीड वेराइटीज नॉट ओल्डर देन 10 ईयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट टू द फार्मर्स, ठीक है। तो पल्सेस की जो सीड वेराइटीज है उनके मिनी किट्स दिए जा रहे हैं फ्री में, फाइन।
और इसी तरीके से न्यूट्री सीरियल्स के लिए भी यही सारे पॉइंट्स हैं, तो ये कॉमन पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं, ब्रीडर सीड प्रोडक्शन, सीड हब, सर्टिफाइड सीड्स, मिनी किट्स, ठीक है, और स्ट्रेंथनिंग ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, पब्लिसिटी ऑफ न्यूट्री सीरियल्स। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, तो ये गवर्नमेंट का प्रपोजल था तो, और इसको फिर एंडोर्स किया है फाओ काउंसिल ने कि 2023, तो अभी ये प्रपोजल है अभी भी वहाँ पे कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स सेलिब्रेट किया जाए बाय यूएन, ठीक है, 2023। नाउ कृषि उन्नति मेला हुआ, ये 2018 में मार्च में हुआ था, और ये थर्ड एडिशन था जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर ने किया था विथ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज, ठीक है। इसकी FICCI जो है फिक्की वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी थी, और इसने ई मार्केटिंग पोर्टल भी लॉन्च किया था ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए। और कृषि उन्नति मेला में कई सारी चीज़ें हुई थी, जैसे कृषि अर्पण अवार्ड दिया गया था, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया था, तो ये किनको दिया गया ये आप मुझे बता सकते हो? और इस मेला जो उन्नति मेला था इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? अवेयरनेस क्रिएट करना, लेटेस्ट जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं, फिर फीडबैक लेना, ठीक है, और आगे की क्या रिसर्च स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसके बारे में बात की गई थी। तो यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को डिस्प्ले किया गया था, और माइक्रो इरिगेशन, वेस्ट वाटर यूटिलाइजेशन, इन सब के ऊपर लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस दिए गए थे। फिर थीम पवेलियंस थे यहाँ पे, जैसे कि डबलिंग ऑन फार्मर्स इनकम, फिर जैविक महाकुंभ था फार्मिंग के लिए, तो इस टाइम पे पीएम भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे और डेली न्यूज़ आ रही थी, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट था ये इनिशिएटिव, ठीक है। और उसी तरीके से महिला किसान दिवस मनाया गया था, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो मतलब स्टेक होल्डर्स थे वो विमेन फार्मर्स के लिए, मतलब विमेन फार्मर्स थी, एनजीओस थे, ठीक है, रिसर्चर्स, एकेडमिया, एंटरप्रेनर्स, ये सब थे। और फोकस कि जो विमेन फार्मर्स की जो इश्यूज होते हैं उनके बारे में जानना और उनको एड्रेस करना उन इश्यूज को, ठीक है, जो विमेन फार्मर्स एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, फिशरीज में है, और दूसरी ऑफ फार्म एक्टिविटीज में। और इसके अलावा उनको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट आसानी से मिल पाए, माइक्रो फाइनेंसिंग हो पाए, वो सब भी बातें हुई थी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आईटी का क्या यूज़ हो रहा है एग्रीकल्चर में, तो एम किसान पोर्टल बनाया गया है एग्रो एडवाइजरीज के लिए, वैसे ही किसान सुविधा ऐप है, तो कुछ भी अगर सॉल्यूशंस चाहिए हो फार्मर्स को तो वो इन ऐप्स पे जा सकते हैं। देन इनोवेशन एंड एग्री एंटरप्रेन्योरशिप अंडर RKVY रफ्तार, तो RKVY रफ्तार के राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, रेम्यूनरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रेजुविनेशन, ठीक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स में, तो इसमें एग्री इंक्यूबेटर्स बनाए जा रहे हैं, और स्पेसिफिकली RABIs, दैट इज रफ्तार एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर्स, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप मतलब टेक्नोलॉजी में भी डाल सकते हैं, जैसे मेंस आंसर राइटिंग आती है, या फिर अभी करंट क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, क्योंकि एग्रीकल्चर मेन डोमिनेंट सेक्टर है इंडिया का, इसलिए ये सारे चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। फाइन, तो इसमें एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर्स में भी एग्रीप्रेनर से एप्लीकेशंस ली जाएंगी और फिर उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ताकि वो इनोवेशंस और ज़्यादा जनरेट कर सकें। ओके, नाउ रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, तो एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन एक तरीका है कल्टीवेशन के कॉस्ट को रिड्यूस करने का, क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट स्कीम लाए थे ये इसकी वजह से, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन सिटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड दिल्ली, ठीक है, तो यहीं पे ही सबसे ज़्यादा क्रॉप रेसिड्यू की प्रॉब्लम होती है, और विंटर मंथ्स में फिर उसको जला दिया जाता है जिसकी वजह से फिर एयर पोल्यूशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है दिल्ली में, तो उसको मैनेज करने के लिए स्कीम चलाई थी। और याद रखिएगा ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसकी वजह से 100% सेंट्रल का शेयर रहेगा। और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है,
फार्म मशीनरी, बैंक्स को स्टैब्लिश करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना और इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन भी बढ़ाना अवेयरनेस के लिए। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो DACFWE इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है और इसका जो कंपोनेंट अभी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है हमने ऊपर देखा, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है। तो 2015 से ये कंपोनेंट ऑपरेशन ऑपरेशन में है और ये काय के लिए है, वाटर यूज एफिशिएंसी के लिए एट फार्म लेवल थ्रू प्रिसीजन और माइक्रो इरिगेशन, ठीक है। प्रिसीजन इरिगेशन यानी ड्रिप या स्प्रिंकलर्स का यूज़ करना, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को इसमें पर ड्रॉप मोर क्रॉप में यूज़ किया जा रहा है एंड ऑल्सो बेटर ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है। देन माइक्रो इरिगेशन फंड, ये स्टैब्लिश किया गया था ताकि वाटर को ही इन्हांस किया जा सके, ठीक है। तो 17-18 के बजट में नाबार्ड में ये डेडिकेटेड फंड बनाया गया था और इसका इनिशियल कॉर्पस जो था 5,000 करोड़ था। तो याद रखना, माइक्रो इरिगेशन फंड नाबार्ड में 5,000 करोड़ का कॉर्पस था और वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए था, ठीक है। तो स्टेट्स को इसमें खासकर फैसिलिटेट किया जाएगा। और इसके अलावा अब जो किया जा रहा है वो ये भी है कि फार्मर्स को इनकरेज कर रहे हैं कि आप खुद से माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स का यूज़ करो। देन रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी NMSA के अंडर है और ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे फोकस करता है प्रोडक्टिविटी वगैरह बढ़ाने के लिए, ठीक है। और जो क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं उनका रिस्क कम हो, इसके लिए इसको प्रोग्राम को डेवलप किया जा रहा है। देन एग्रीकल्चरल क्रेडिट, तो वही मैंने कहा कि डोमिनेंट सेक्टर है ये हमारी कंट्री का, इसलिए क्रेडिट जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फार्मर्स को टाइम पे और एडिक्वेट क्रेडिट और लो कॉस्ट पे क्रेडिट मिल जाए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए, ठीक है। लार्ज फार्मर्स को आप देखोगे कि उनको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती है, मेन जो प्रॉब्लम जाती है वो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को ही जाती है। तो इसके लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम चलाई जा रही थी 2006-07 से और एग्रीकल्चरल क्रेडिट देने के लिए। तो इसमें 2% पर एनम का 2% का क्रेडिट दिया जा रहा था PSBs को, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स को शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन के लिए, यानी 3 लाख तक का लोन है तो उसके लिए शॉर्ट टर्म लोन है तो उस पर 2% इंटरेस्ट सबवेंशन मिल रहा है, प्रोवाइडेड कि ये जो इंस्टीट्यूशन है इन्होंने 7% का क्रेडिट पहले से दिया हो, तो 2% का जो सबवेंशन रहेगा वो गवर्नमेंट देगी, यानी फिर फार्मर को कितना पड़ेगा, बस 5% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब इसके बाद 2009-10 में और ज़्यादा क्या कर दिया कि एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन देने लगे टू प्रॉम्प्ट पेइंग फार्मर्स, ऐसे फार्मर्स जो टाइम पे अपना इंटरेस्ट और अमाउंट पे करते आ रहे हैं और उनके लिए और ज़्यादा इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा। तो अभी करंटली कितना दिया जा रहा है, 3%, ठीक है। तो 7 में से 3% दे दिया तो फार्मर को कितना पे करना पड़ेगा, बस 4%। तो हमको ये अमाउंट बहुत छोटा लगता है बट फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द ईयर एंडर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। काफ़ी अच्छा था, काफ़ी इम्पॉर्टेंट, मतलब इसमें टॉपिक्स आपके कवर हो गए हैं और जो भी आज तक की इम्पॉर्टेंट स्कीम्स आ रही हैं तो आप इस टॉपिक को फिर से रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। तो आपका काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा पूरा एग्रीकल्चर से रिलेटेड और इसके क्वेश्चंस मेंस में आते ही आते हैं, तो डू रिवाइज इट। और क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। सो फर्स्ट यू हैव टू टेल मी व्हाट इज ऑपरेशन ग्रीन्स, सेकंड यू हैव टू टेल मी द मिशंस अंडर नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। तो एक तो हमने देख लिया नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो दूसरे कौन से मिशंस हैं वो आपको बताना है। देन व्हाट इज FAO, ये कब बना था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज FICCI और इसको किसने स्टैब्लिश किया था और कब किया था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा एंड कीप वॉचिंग आर वीडियोज़, कीप शेयरिंग देम, कीप गिविंग योर फीडबैक्स एंड थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।